हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए समाजशास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 16 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 15 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? 1993, 1994, 2011 या 2009? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में वर्ष 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरू की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला 2 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष बालिका समृद्ध योजना की शुरुआत की गई? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस वर्ष बालिका समृद्ध योजना की शुरुआत की गई? 1997, 1998, 1999 या 1986? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 1997 में बालिका समृद्ध योजना की शुरुआत की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला 3 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति अपनाई गई? 1987, 1991, 1948 या 1952? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 1987 में बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति अपनाई गई। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला 4 नंबर प्रश्न है, भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 1975, 1974, 2011 या 1985? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में वर्ष 1975 में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला 5 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? MN श्रीनिवास, RK मुखर्जी, DP मुखर्जी या SC दुबे नर? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक के लेखक MN श्रीनिवास हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला 6 नंबर प्रश्न है, DA केस किस अपराध से संबंधित है? हत्या, बलात्कार, आपसे अधिक संपत्ति या चोरी? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि DA केस जो है वो आपसे अधिक संपत्ति अपराध से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला 7 नंबर प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम किस साल पारित हुआ? 1954, 1956, 1961 या 1972? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विशेष विवाह अधिनियम वर्ष 1954 में पारित हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला 8 नंबर प्रश्न है, नगरीय पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर निम्न में से कौन प्रभाव नहीं है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि नगरीय पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं है? अपराध, व्यक्तिवादिता में वृद्धि, प्रदूषण में कमी या आवास की समस्या में वृद्धि? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नगरीय पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रदूषण में कमी या प्रभाव नहीं है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला 9 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के मॉडल के रूप में निम्न में से किसे आधार माना है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के मॉडल के रूप में से निम्न में से किसे आधार माना है? नई प्रौद्योगिकी, आधुनिकीकरण, शिक्षण संस्थाएं,
या 150 वर्ष के ब्रिटिश शासन। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के मॉडल के रूप में से 150 वर्ष के ब्रिटिश शासन का आधार माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला 10 नंबर प्रश्न है, भारत में संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करने वाला दशाएँ कौन सी है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करने वाली दशाएँ कौन सी है। संस्कृति की शिक्षा, महिला आंदोलन, औद्योगिकरण व नगरीकरण, या जनजातीय आंदोलन। दोस्तों आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करने वाली दशाएँ औद्योगिकरण व नगरीकरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में अपने वैश्विक शासन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत में अपने वैश्विक शासन के लिए उत्तरदायी है। ईस्ट इंडिया कंपनी, वॉरेन हसिंगटन, लॉर्ड क्लाइव, या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने वैश्विक शासन के लिए उत्तरदायी है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला 12 नंबर प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को किस वर्ष संशोधित कर पुत्रियों को पुत्र के समान पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिया गया। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष संशोधित कर पुत्रियों को पुत्र के समान पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिया गया। 2005, 1985, 2010, या 1956। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को वर्ष 1985 में संशोधित कर पुत्रियों को पुत्र के समान पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला 13 नंबर प्रश्न है, पश्चिमीकरण को किस तरह की अवधारणा माना जाता है। तटस्थलीय अवधारणा, यूरोपीय अवधारणा, भौतिक अवधारणा, या क्षेत्रीय अवधारणा। दोस्तों आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पश्चिमीकरण को तटस्थलीय अवधारणा माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला 14 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि नगरीकरण ही आधुनिकीकरण का प्रथम चरण है। मेकाइवर, लर्नर, श्रीनिवास, या वर्गल। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि श्रीनिवास ने कहा है नगरीकरण ही औद्योगिकीकरण का प्रथम चरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन धर्म का प्रकार नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन धर्म का प्रकार नहीं है। सामाजिक संगठन में बाधक, सामाजिक नियंत्रण का साधन, सामाजिक संगठन में सहायक, या सर्व कल्याण में सहायक। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सामाजिक संगठन में बाधक यह धर्म का प्रकार नहीं है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला 16 नंबर प्रश्न है, जब कोई निम्न जाति या जनजाति किसी उच्च जाति की दिशा में अपने जीवन पद्धति को बदलती हैं तो उसे क्या कहते हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जब कोई निम्न जाति या जनजाति किसी उच्च जाति की दिशा में अपने जीवन पद्धति को बदलती हैं तो उसे क्या कहते हैं। संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, या धर्मनिरपेक्षीकरण। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जब कोई निम्न जाति या जनजाति किसी उच्च जाति की दिशा में अपने जीवन पद्धति को बदलती हैं तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला 17 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष संसद से 3 तलाक कानून पास हुआ। 2016, 2017, 2018, या 2019। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 2018 में संसद से 3 तलाक कानून पास हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला 18 नंबर प्रश्न है, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा
बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संविधान के संशोधन 73वां एवं 74वां संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बिहार में पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या 4 वर्ष। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बिहार में पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत को निम्नलिखित में से कौन अधिकार प्रदान किए गए हैं, कृषि, पशुपालन, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत को निम्नलिखित में से उपयुक्त सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को कहा जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को जिला परिषद कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के मध्य स्तर की पंचायत का नाम क्या है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में मध्य स्तर की पंचायत का नाम क्या है, क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति, जिला पंचायत, न्याय पंचायत या माध्यमिक पंचायत। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में मध्य स्तर की पंचायत को क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में ग्राम पंचायत की कौन सी एक शाखा है, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की एक शाखा है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई क्या है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई क्या है, मुखिया, सरपंच, ग्राम सभा या ग्राम सेवक। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पंचायत राज में सबसे प्रमुख इकाई ग्राम सभा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद महिलाओं के कल्याण से संबंधित है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 42। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 में महिलाओं के कल्याण से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।